कन्विंस होते ही सेल कंप्लीटेड हो जाती है, और जिस दिन आप लोगों के अंदर अपने विचारों को डालना चालू कर दिए, आप सेल के एक्सपर्ट बन जाए। और फिर कभी कलकत्ता से 3000 का सीडी प्लेयर, चाइनीज सीडी प्लेयर ले जाता था, बिलोड़ा में 4000 का भेज देता। हेनरी हिल की शर्ट आती थी, कोरियन शर्ट 250 रुपए की, मैं 100-100 शर्ट एक साथ ले जाता था, 250 रुपए की शर्ट ले जाकर बिलोड़ा में 300 रुपए में भेज देता। और आपको आश्चर्य होगा, मेरी भिलवाड़ा में दुकान फिट हो गई, और मजे की बात दुकान थी ही। क्या हिट हो गई? दुकान हिट हो गई। और वो थी ही पूरे ग्राफ फिक्स हो गए। और मजे की पता किसी भी ग्राहक को ये पता ही नहीं था कि मैं बेचता नहीं, क्योंकि मैं हर बार ही एक नया आइटम बेचता, ऐसा आइटम बेचता था जो पूरे भीलवाड़ा में नहीं मिलता था। और मजे की बात है, भीलवाड़ा के जितने भी अमीरों के लड़के थे ना, मेरे परमानेंट कस्टमर थे, क्योंकि उन्हें अमीर दिखना था। और अमीर तभी दिखेंगे जब वो ऐसी चीज पहनेंगे जो भीलवाड़ा में किसी के पास नहीं है, और जब भीलवाड़ा में किसी के पास नहीं है, मेरे पास थी सारी। लोग मुझे उस समय एडवांस पैसा देकर जाते थे, अमीरों के लड़के जी ये 500 रुपए एडवांस रख लो। मैंने कहा किस चीज के लिए? नहीं, अगली बार जो भी लाओ सबसे पहले मुझे देना। ना उसे कुछ पता था क्या लाने वाला हूं, ना मुझे कुछ पता था कि मैं क्या लाने वाला हूं। क्वालिटी थी कि लाऊंगा तो इसी की चीज लाऊंगा जो भीलवाड़ा में मिलती है। और आपको आश्चर्य होगा, नौकरी के साथ 12-13 हजार रुपया एक्स्ट्रा कमा लेता, 13 हजार सैलरी, 13 हजार एक्स्ट्रा इनकम, 26 हजार की। हमारे जो बोस था ना, मार्केटिंग मैनेजर गवर्नर, 17 हजार बेसिक सैलरी होती थी, रुतबा था कंपनी में, और पैसे 26 हजार कमा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ जीवन में ठीक चल रहा था। तभी एक दिन शनिवार का दिन आया, रात को 8 बजे का समय था, सन 2000 की बात है, अगस्त का महीना, शनिवार के दिन मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खुश था। शनिवार के दिन सभी कर्मचारी खुश रहते हैं, क्यों? संडे, मतलब मैं किसी कर्मचारी की शक्ल देखकर बता सकता हूँ कि आज का वार है। सैटरडे के दिन शाम को यार मुस्कुराता हुआ रहता, कोई टेंशन नहीं। एक और खास बात बताऊ, जब भी किसी कर्मचारी को हार्ट अटैक आता है, संडे की नाइट को या आता है चेक करना, वापस भरना पड़ेगा। मतलब शनिवार के दिन मैं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खुश, मेरे पास स्कूटर था, रेबल वेस्पा 150 है, अभी भी है, कंपनी इधर उधर जाने के लिए कार देती थी, वो स्कूटर अभी भी है हमारे पास, अभी हम उसका एक मंदिर बना रहे हैं। हमारा एक मकान बन रहा है भिलवाड़ा में, जिसकी लागत है 25 करोड़ रुपए, क्या अभी 4 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, तो उसी का पेंट चल रहा है, 50,000 स्क्वायर फीट, द हार्ट ऑफ टाउन सिटी भिलवाड़ा, 1 किलोमीटर रेलवे स्टेशन, 19 करोड़ रुपए का तो प्लॉट है, 10 साल खरीदने में लगे, सारा आसपास सब लोगों को खाली कराते गए 50,000 वहीं पर ऑडिटोरियम, वहीं पर वॉकिंग ट्रैक, वहीं पर आरसी बाजार, वहीं पर हमारे यूट्यूब का स्टूडियो, वहीं पर गार्डन, सब कुछ वहीं पर, वहीं पर मंदिर बना रहे, स्कूटर महाराज का मंदिर। ये बात हम क्यों बता रहे हैं आपको कि जब भिलवाड़ा आना होगा, आप बड़े अच्छे बार बनेंगे तो भिलवाड़ा आएंगे, अभी भी कुछ लोग जा रहे होंगे फलौदी में भिलवाड़ा, और कुछ लोग मई में जाएंगे भिलवाड़ा, तो भिलवाड़ा आएंगे तो अभी तो मत आना आप, क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन मई वाले फंक्शन में आएंगे ना, तब आप चांस है 90% चांस कि वो मंदिर हमारा तैयार हो जाएगा, और आप वहां आइए। आप सोच रहे हैं यार मुकेश जी वहां ले जाएंगे तो फिर दान दक्षिणा तो देनी पड़ेगी, भगवान कसम दान दक्षिणा की कोई जरूरत नहीं, नाश्ता भी हम फ्री में करवाएंगे, आ जाना। तो बड़े खुश शनिवार के दिन अपने स्कूटर की चाबी को टांग के हम अपने स्कूटर की तरफ जा रहे, चार ढीली थी कि वो टारगेट नहीं था, टारगेट नहीं होता तो चार ढीली, कोई टारगेट नहीं था, घर पे जाके रेस्ट ही करना था, घूमते घूमते जा रहे थे, स्कूटर के पास पहुंचे तभी अचानक आवाज आई, मुकेश जी। हमने पीछे घूमकर, इसी स्टाइल में जब पीछे घूमकर देखा
तो हमारा बोझ हमारी तरफ दौड़ कर आता। हम शकल पढ़ने के माहिर खिलाड़ी, हमने पता लगा लिया कि ये संडे खराब करने की प्लानिंग लेकर आ। हम बड़े चिंतित हो गए। तभी वो हमारे पास आया और पास आके धीरे से बोला, ए भाई तेरी हेल्प चाहिए। मैंने कहा सर मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूं? उसने कहा तू जो करता है वो सही करता है। मैंने कहा सर मैं क्या करता हूं? तूने कहा तू बिजनेस करता है ना। मेरा दिमाग खराब हो गया, साला इसको किसने बताया कि मैं बिजनेस करता हूं? मैं तो कंपनी के आदमी को कभी माल तक नहीं लेता इस डर से। मैं तो चुप चुप के करता था क्योंकि मुझे पता है बॉस को पता चल जाएगा और वाट लगा देगा मेरी। मैं चिंता में पड़ गया। मैंने कहा तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। तभी उसने कहा नहीं 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 कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, और भाई मुझे तो पता चल गया है कि नौकरी से कुछ होने वाला नहीं है, बिजनेस मुझे भी करना पड़ेगा। मैं एकदम खुश हो गया। मैंने कहा ये भी बिजनेस करेगा तो मैं कंपनी के आदमी को भी माल बेच दूंगा। मैं तो माल बेचने के लाऊ तो सोचता क्या है, बेच दूंगा उसको भी, बेच दूंगा उसको भी, बेच दूंगा सबको। खुश हो गए। तभी मेरे बॉस ने मुझे धीरे से कहा, ए भाई मुझे भी बिजनेस करना है। एक महीने से हाथ पैर मार रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि खानदान में कोई बिजनेसमैन नहीं रहा, कोई अनुभव ही नहीं है बिजनेस का। ए भाई हेल्प करना। मैंने कहा बताइए सर। अरे पिछले दिनों संडे के दिन मेरे घर पर पुराने दोस्त आए थे, वो अंगूर की बेल बनाकर बिजनेस समझा रहे थे, एक के नीचे चार अंगूर, चार के नीचे 16 अंगूर, और ऐसे बिजनेस बता रहे थे कि अमीर बन जाए। ए भाई मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया, लेकिन तेरे से बिना पूछे मैंने उनको कुछ कह दिया, बुरा तो नहीं मानेगा? मैंने कहा नहीं बुरा मानूंगा सर। मैंने उनको कह दिया कि तुम क्या बिजनेस करते हो? बिजनेस तो मेरा भाई करता है मुकेश कोठारी, वो भी 6वीं क्लास से। अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो अगले संडे को आना, मैं अपने भाई मुकेश कोठारी को लेकर आऊंगा, और मेरा भाई मुकेश कोठारी जब तक नहीं कहेगा तब तक मैं बिजनेस नहीं करूंगा। ए भाई बुरा तो नहीं माना? मैंने कहा फिर आना पड़ेगा 10 बजे। जब टाइप ऑफ इन्विटेशन सिखा रहा था उसने मुझे इनवाइट कर दिया और शंका भी नहीं होने दी। क्या बोला? मुझे करना है, तू आकर सिर्फ राय दे दे करना है कि नहीं करना। कोई टेंशन नहीं थी जब मैं पहली बार मीटिंग में आया, लेकिन आपकी शक्ल को देखकर लग रहा है कि किडनैप करके लाए गए, क्योंकि डर लग रहा है। हमारे तो कोई डर नहीं था, हम तो एक्सपर्ट की तरह पहली बार मीटिंग में आए। टाइप ऑफ इन्विटेशन एक कला है जो एक दिन में नहीं आई। अभी कलकत्ता से आए हुए सज्जन हमें कह रहे थे कि 15 लोगों को इनवाइट किया और 2 आदमी ही आए। हंस रहे हैं, उनकी कहानी भी यही है और पूरे हिंदुस्तान की कहानी भी यही है। सरवण जी की भी यही थी, मुकेश कोठारी की भी यही है। कोई नहीं आता क्योंकि हमें इनवाइट करना ही नहीं आता। हम शादी की तरह इनवाइट करते हैं, 11 बजे मुकेश कोठारी आना, आ जाओ। काम बिगड़ गया उसके, क्यों आएगा 11 बजे? इनविटेशन के लिए बात करके उसके पूरे स्वभाव को समझना पड़ता है, और जब आप उसे बात करते हैं तो उसकी दुखती हुई नस आपको पता चल जाती है, और जो दुखती हुई नस होती है ना उसको तुरंत दबाना पड़ता, फिर वो आता। एग्जाम्पल देता हूं, क्लियर हो जाएगा। एक दिन का विषय नहीं है ये, लंबा टॉपिक है, आउट ऑफ कमेंस ट्रेनिंग का विषय। अगली बार जब भी इस एरिया में ट्रेनिंग होगी तब हम पूरे दिन पर इस विषय पर बात करेंगे आपसे, हाउ टू इनवाइट। जैसे एक स्टूडेंट को आपको इस बिजनेस में लाना है तो आपको समझना पड़ेगा कि स्टूडेंट की सबसे बड़ी चाहत क्या है। स्टूडेंट की सबसे ज्यादा चाहत होती है करियर। एक 10वीं क्लास से बच्चा ही सोचना चालू कर देता है कि बड़ा होकर क्या बनेगा। उस करियर में आरसीएम कहीं नहीं आता, और जिस दिन आपने आरसीएम को करियर के हिसाब से बता दिया उस दिन वो स्टूडेंट भी इस बिजनेस में आ जाएगा। ये सरवती स्टूडेंट भी थे, केसरी जी स्टूडेंट भी थे, ये सारे लोग यहां पर बैठे हैं वो स्टूडेंट भी थे। ये भाई साहब का नाम भूल गया यार, कौशल जी, ये सब स्टूडेंट ही हुआ करते थे। इन्हें समझ में आ गया क्योंकि इन्हें स्टूडेंट की तरह से समझाया।
स्टूडेंट को करियर समझाना पड़ेगा। एक हाउस वाइफ है जिसका पति 2 लाख रुपए पर वर्ष कमा रहा है, वो नहीं आएगी मीटिंग में, उसके आत्मस्वाभिमान को जगाना पड़ेगा, उसे बात करनी पड़ेगी, नमस्ते भाभी जी क्या हाल चाल है, कितने पढ़े लिखे हो, क्या MBA है, MBA तब तो आपकी नौकरी लग गई होगी, अरे कहा नौकरी है, बचपन में शादी हो गई, फिर बच्चे पैदा हो गए, फिर पति का ध्यान रखे, अब वो अंदर की व्यथा सुना सुनाने दीजिए, यहीं पर नस पकड़ने आएगी, वो नस सुना रही है, ये हो गया मेरे साथ, वो हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाई, वो ये बता रही थी उसके पूरे चीजों को दबा दिया, और वो बता रही कि मैंने खुद अपनी इच्छा से अपनी जिम्मेदारी के लिए इन चीजों को दबाया। धीरे से बोलिए भाभी जी गजब आपके अंदर इतना टैलेंट, अच्छा आप मुझे बताओ भाभी जी अगर आपको 10,000 रुपए चाहिए तो किससे मांगने पड़ते, अरे किससे मांगेंगे, पति के सामने हाथ फैलाने पड़ते और फिर पति के सामने हाथ, भाभी जी मेरे पास एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको घर से बाहर निकलने की भी जरूरत है, पार्ट टाइम स्पेयर टाइम में आप घर पर बैठे बिजनेस कर सकते हैं, पति को भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि घर पे रहेंगे और बच्चे का भी ध्यान रख के आएंगे, और इतना पैसा आएगा ना कि आप पति को भी उधार दे सकते हैं और पति को थाईलैंड ले जाने भी जा सकते हैं, फिर वो उसका दिमाग खुलेगा, अच्छा ऐसा कोई बिजनेस होता है, होता है 11 बजे क्योंकि क्यों 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 गरीब को पैसा समझाना पड़ेगा, लेकिन अमीर को पैसा समझाने की गलती मत कर देना। एक आपकी लखपति है और तुम क्या करो, आज से मर गए लखपति बन जाएगा, उनका पहले ही हूं, फिर क्या करो फंस जाओगे, उससे सिक्योरिटी समझानी पड़ेगी, उससे बात करनी पड़ेगी, नमस्कार सर क्या हाल चाल आप ठीक है ना, क्या आपका क्या बिजनेस है, वो कपड़े का शोरूम है, कपड़े का शोरूम है ब्रांडेड, अरे भाई साहब क्या क्या खुशनसीब आदमी हो आप, कितना पैसा आप कमाते होंगे सर, हर आदमी की ऐसी तमन्ना है कि आप भी जैसा बने, सर आप मुझे सिर्फ इतना सा बताओ जब कोरोना आया था तो आपके शोरूम का क्या हाल चाल था, तो बढ़ जाएगा, हर दिमाग खराब मत कर साला, 3 साल पूरे बर्बाद हो गए, इतना कर्जा हो गया, इतना वो हो गया, कि सर मैं ऐसे बिजनेस को जानता हूं जो कोरोना में भी डबल हो जाता है, क्या होता है 11 बजे लताई और इन्विटेशन कला है, और जब आप किसी के नस को दबाओगे नहीं तब तक वो आएगा, फालतू के आदमी आएंगे वो तुम्हारे काम के भी, जिनके पास चाहिए बोध है वो आएंगे जो तुम्हारे काम के, जो इस बिजनेस में कामयाब होता है उसकी खास बात क्या होती पता है, वो सब पहले बिजी होते, इसका मतलब जो बिजी है वो ज्यादा काम करेगा इस बिजनेस के अंदर क्योंकि उसे टाइम की वैल्यू का पता है, आदमी ज्यादा काम नहीं करेंगे, बिजी आदमी ज्यादा टाइम, लेकिन समझ में आने की बात, बिजी को समझाना बहुत मुश्किल था क्योंकि बार बार डायलॉग बोलेगा टाइम नहीं, तो ये टाइम नहीं है, डायलॉग को कैसे खत्म करें, ये इन्विटेशन की कला से समझ में आए जब आप ट्रेनिंग में आए। अब क्या हुआ, मुझे इनवाइट कर दिया कि भाई तुम बिजनेस का जानकार आदमी है, बिजनेस मुझे करना है तो आप सुबह 10 बजे आना, मैंने कहा आऊंगा सर बिल्कुल आऊंगा, मैं 10:30 बजे आ जाऊंगा, नहीं 10 बजे आना, मैंने कहा क्यों, अरे भाई बिजनेस का मामला है, प्लान समझाएंगे वहां पर और तू वहां नहीं आया और तू समझा नहीं तो तेरा क्या जाएगा, जीवन तो मेरा बर्बाद हो जाएगा, मैंने कहा नहीं सर आपके जीवन को बर्बाद नहीं करेंगे, 10 मिनट पहले आपके बैठ गए, आपके आदमी अभी तक आ रहे क्वेश्चन, हम 10 मिनट पहले मैंने कहा इसका जीवन बर्बाद हो जाएगा यार भाई, इसका जीवन हम थोड़ी बर्बाद, पहली मीटिंग में पेन डायरी लेकर आए, पहली मीटिंग पता है क्यों, क्योंकि ना बॉस क्या बोल रहा था, ए भाई पेन डायरी लेते हुए आना, बिजनेस का मामला है, कुछ भूल गया, नोट करना भूल गया और दिमाग में तेरे नहीं आया तो तेरा तो कुछ नहीं जाएगा भाई, जीवन तो मेरा बर्बाद हो जाएगा, मैं पेन डायरी लेकर आया पहली मीटिंग, और भाई साहब आगे वाली सीट पर बैठा पीछे नहीं बैठा क्योंकि बॉस ने क्लियर कर दिया कि पीछे मत जाना, कभी कभी माइक खराब हो जाता और आवाज पीछे साफ नहीं आती, और अगर मुझे समझ में नहीं आया पीछे तो तेरा क्या जाएगा, जीवन तो मेरा बर्बाद हो जाएगा, भाई साहब मैं आगे आगे पेन डायरी लेकर पहली सीट पर आकर बैठ गया, पूरे हॉल में एक भी आदमी नहीं आया, मैं आकर बैठ गया, माइक वाला भी नहीं आया, सबसे पहले मैं आके बैठ गया, अब कोई आया नहीं, देख रहे कोई मीटिंग भी है कि नहीं, सारा कोई आया नहीं, मैं एकदम टाइम पे आ गया, फिर 10-15 मिनट बाद कुछ लोग आने लगे, फिर एक आदमी मेरे पास आकर भी बैठ गए, थोड़ी देर बाद माइक वाला आया, उसने माइक लगाया, 10-15 आदमी टोटल थे, तभी 3-4 सूट वाले आ गए हॉल के अंदर घुसे,
जिन्होंने सूट पहने राजस्थान अगस्त में टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस, साला खड़े खड़े ही पसीना निकल रहा और इस आदमी ने सूट पहना। मैं एकदम पूरा परेशान, मैंने कहा कौन से प्रदेश के आदमी आ गए जिनको इतनी गर्मी में सर्दी लग रही, ये क्या मजरा है। लेकिन उस समय किसी से पूछ नहीं सकते थे क्योंकि कोई इंटरनेट का जमाना तो नहीं था। अभी तो आप बच्चे लोग क्या करते हैं, फट से गूगल पे जाके पूछ लेते हैं कि इसका क्या मतलब। अब हम किससे पूछे, हमारे समय में जो हमारा पड़ोसी होता था वही गूगल होता था। जैसे आप गूगल को ऑन करते थे, हम पड़ोसी को ऑन करते थे। जैसे कैसे करते थे, मेरे पड़ोस में आके बैठा तो उसको ऑन करने का तरीका था, पहले उसकी तरफ देखो, वो भी आपकी तरफ देखा फिर मुस्कुरा, अगर वो मुस्कुरा गया मतलब गूगल ऑन। ये तरीका था गूगल ऑन। तो हम देख के जो भी मुस्कुराया वो भी मुस्कुराया। मैंने कहा सर एक प्रश्न पूछना है। वो कहा पूछिए। मैंने कहा सर बताइए कि इन लोगों ने सूट पहन रखा है, इनको गर्मी में सर्दी क्यों लग रही है, आप अपनी जानकारी के अनुसार आप बता सकते हैं कि ये किस प्रदेश के नागरिक हैं? उसने कहा जवाब दो। मैंने कहा जवाब दो। पिछले 10 मिनट से मैं भी यही सोच रहा हूं। मैं बड़ा खुश हुआ कि मेरा पड़ोसी भी मेरे जैसा, हमारे जैसा आदमी हमें मिल जाता तो बहुत खुशी होती। ज्यादा दिमागदार आदमी मिल जाए तो भी हमारी दोस्ती नहीं होती, कम दिमागदार मिल जाए तो भी दोस्ती नहीं होती, बराबरी के आदमी से दोस्ती होती। मैंने हाथ मिलाया सर का, वेरी गुड, आपकी जितनी जानकारी उतनी मेरी, हम पक्के दोस्त बनने लायक थे। और हम दोनों बैठ गए और दोनों भाई प्लान सुनने लगे। तभी एक आदमी स्टेज पर आया। स्टेज पर आते ही उसने बोला भाई और बहनों ये जोश का बिजनेस है। मेरा दिमाग ही खराब हो। मैंने कहा साला इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस सुना है, कपड़ों का बिजनेस सुना है, जूतों का बिजनेस सुना है, ये जोश का बिजनेस है। जोश को नापेंगे कैसे, पेन कैसे करेंगे, हिसाब किताब कैसे करेंगे, कैसे कैलकुलेशन होगी, किसको कितना जोश दिया, कैसे मेंटेन कैसे। जोश का भी बिजनेस होता है, ये जोश का भी क्या बिजनेस, तो समझ में नहीं आया। तभी दूसरा कार्टून आ गया, सेकंड कार्टून आ गया, सेकंड कार्टून स्टेज पर आया। उसने कहा भाइयों ये जोश का बिजनेस है, इसलिए बजाओ ताली। हमने नया मुझे पता नहीं ताली क्यों बजानी, किसके लिए बजानी। भगवान को समय एक ताली नहीं बजाई। और यहाँ पर जो ताली नहीं बजा रहे ना, मैं उनको देख देख के बहुत खुश हूँ कि मेरी कैटेगरी का हाथ नहीं, तुम भी ताली नहीं बजा रहे, मैं भी ताली नहीं बजा रहा, मतलब तुम मेरी जगह पे जाओ 100% क्योंकि मैं भी ताली नहीं बजा रहा। फिर तीसरा कार्टून आ गया। तीसरे कार्टून ने आके दो चार आदमी को बुला लिया नीचे से और खड़ा कर दिया स्टेज पर और बोला भाई और बहनों ये आदमी जो स्टेज पर खड़े हैं इनको 500 रुपए आने वाले हैं, बजाओ ताली। कंपनी चालू हुए 3 दिन हुए थे, किसी को चेक तो आया नहीं था। और ये क्या कर रहा है, इनको कोई आने वाले हैं इसकी बजाओ ताली। तो मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने कहा साला बुला भी लिया, पैसा भी इनको आ रहा है और ताली हम बजाए, ये क्या बात हुई। इनको ताली आए तो इनकी बीवी बजाएगी ताली, इनका बाप बजाएगा ताली, इनकी माँ बजाएगी ताली, पैसा इनको आ रहा तो हम ताली क्यों बजाए। मेरे ताली वाली नहीं बजे। फिर पांचवा कार्टून आ, मेरे आने से पहले यहाँ पर कई कार्टून आ चुके हैं सभी जगह, कोई नई बात नहीं। पांचवा कार्टून आया, पांचवे कार्टून आते बोला भाई और बहनों अब हम बुलाने जा रहे हैं सदी के सबसे बड़े कार्टून को सबसे लास्ट में। यहाँ सबसे लास्ट में कौन आया, हम जो समझाना चाह रहे आज के कार्टून हम ही हैं और कार्टून को बनाने वाले सरवण जी हैं। ये पांचवे नंबर के कार्टून हम छठे थे। अब जो छठे नंबर के कार्टून थे वो कौन थे पता, मेरी ग्रेट 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 ग्रेटेस्ट सप्लाई श्रीमान बी सी सावंत। बी सी सावंत आए स्टेज पर। अब उस समय उनकी 45-47 साल की एज थी, काले कलर का सूट पहन रखा, गोरा सा चेहरा, एकदम बात करने का तरीका ऐसा कि बीसी चावड़ा जी के शब्दों में जादू होते हैं। जब वो बात करते हैं ना तो उनके पास इतने शब्द होते हैं कि कौन से शब्द को किसमें डाल के कौन सी कविता निकालने, सारा आज तक कोई समझ नहीं पाया। वो बोलते बोलते पता नहीं क्या कर देते। और भाई साहब मैं थोड़ी देर बाद मुझे इतना मजा आने लगा कि मैंने डायरी को साइड में रख दिया और मैं तो उनको देख देख के मुस्कुराने लगा। जब मैं उसको देख के मुस्कुराता था तो मेरा बॉस मुझे देख के मुस्कुराता था।
आज मैं क्या सोच रहा हूँ, बॉस में दिमाग कम होगा, इसको बाद में बात समझ में आ रही होगी, इसलिए बाद में मुस्कुरा। बाद में पता चला कि ये सोच रहा हंस गया मतलब फंस गया, फंस गया। अब मैं बोला आदमी का, मैं तो मुस्कुराने लगा और भाई साहब मैं तो इतना तेज चिल्लाने लगा, हंसने लगा, मुस्कुराने लगा। थोड़ी देर बाद ना सेमिनार खत्म हो गया, पड़ोसी ने जगाया मुझे, कहा भैया यहीं पर बैठा है क्या, सेमिनार खत्म हो गई? मैंने कहा कोई नहीं आएगा। खराब जाने की इच्छा ही नहीं हो रही, इतना मजा आ रहा है, इतना सारा फील्ड में इतना मजा नहीं आया। और तभी पड़ोसी ने कहा कि भाई तो खत्म हो गई, चलो। तो दायरी की तरफ देखा, दायरी तो खाली। हमें क्या समझाना था दोस्त, बिजनेस सारा नहीं समझ नहीं आया क्या करना। अब आके पूछेगा करूं कि नहीं करूं, तो हमने क्या बोला? मैंने कहा भागो यहां से, भाग जाओ, गालियां सुननी है तो अकेले में कल सुन लेंगे, सबके सामने क्यों सुने। तो हमने गाड़ी को बगल में लगाया, भागा, इतना तेज भागा। लेकिन हम जब यहाँ आते हैं तो जो हमें लेकर आता है उसके दोनों मूविंग कैमरे हमारी तरफ ही, तुम टॉयलेट जाओगे तो तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएगा टॉयलेट, ऐसे कोई जाने देगा तुम्हारा? तो मैं भागा तो मेरा वॉच भी एकदम खड़ा हो गया और वो भी मेरे पीछे पीछे भागा और बिल्कुल स्कूटर के पास आ गया। मेरे को एकदम शांत, मेरे सांस रोक ली, मैंने कहा खुद से कुछ गड़बड़ हो गया। तभी बॉस ने कहा कैसा लगा? पूछना चाहिए करूं कि नहीं करूं, पूछा क्या कैसा लगा? मैंने कहा अच्छा लगा। मजा आया कि नहीं आया? मैंने कहा मजा बहुत आया, ठीक है कल मिलते हैं। मैंने लंबी सांस ली, पूछा नहीं जल्दी। अगले दिन ऑफिस गया, रात भर भूल ही गया कि काम किया। अगले दिन ऑफिस गया तो ऑफिस में गेट कीपर ने सारी बात याद दिलाई। गेट कीपर ने कहा आप अपनी कैबिन में जाने से पहले बॉस से मिलकर आना, बॉस ने आपको याद किया। पुरानी बातें याद आ गई। मैंने कहा अब बॉस पूछेगा, तो मैंने डर के अंदर जा रहा था कि बॉस अंदर बैठा तो नहीं है, मैं पार कर जाऊं। तभी बॉस की सीट खाली, तो मैं एकदम खुश हुआ। तभी पीछे से आवाज आई, मुकेश रुक। वो मेरे पास आया और मुझे बोला गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैंने कहा गुड मॉर्निंग नहीं, उसे मेरे कंधे पे हाथ रखा और मुझे सीधा केबिन में खींच के ले गया। केबिन में मेरे लिए सीट खोली, सीट खींची, सीट पर मुझे बिठाया और पानी की गिलास रख के पानी गिलास में डाला। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 साल। मुझे गुड मॉर्निंग बोल रहा और पानी का साला अब तक गाली बोलने के अलावा कुछ किया नहीं था, और आज ये कर क्या रहा? तो मुझे सब कुछ उल्टा पुल्टा कर रहा, कुछ ना कुछ गड़बड़ आ रहा। तो मैं चुपचाप बैठ गया। तभी बॉस ने पहला प्रश्न किया, अपनी सीट पर बैठ गया, कल मजा आया ना? मैंने कहा मजा आया, तो क्या मैं फाइनल समझ लूं कि मजा आया? मुझे क्या मतलब है, उनका मतलब क्या होगा? मैं तो मैंने उनको चढ़ाने के लिए बोल दिया 100% फाइनल समझ लो मजा। जो ही मैंने बोला 100% फाइनल मजा आ गया, बॉस ने अपनी सीट के नीचे से एक काले कलर का बैग निकाला, मेरे सामने रख दिया। बैग में 3 जोड़ी कपड़े थे, वो मुझे दे दिया। उस समय बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए किट लेनी पड़ती है ना, कंपल्सर था। अभी डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन करने के लिए कंपल्सर नहीं होता, किट लेती। मैं अब तक नहीं समझ पा रहा हूँ कि किट क्यों। मैं कपड़े को देखकर खुश हो रहा हूँ और मैं क्या सोच रहा हूँ, अगस्त का महीना चल रहा है, अक्टूबर में दिवाली है, कंपनी एडवांस में गिफ्ट दे रही। तो मैंने किट लेके बोला थैंक यू सर, तो बॉस ने कहा थैंक यू की जरूरत नहीं, 1260 रुपए दो। मैंने कहा सर 1260 रुपए क्यों, कल मजा आया ना? मैंने कहा सर मजे के कौन इतने रुपए लेता है? कब मैं लेता हूँ। मैंने कहा आप क्यों लेते हो, मेरा बिजनेस है। मैंने कहा आपका क्या बिजनेस है? तो मैं पकड़ पकड़ के ले जाता हूँ, जिसको भी मजा आता है, मजे आता है उसको किट देता हूँ। किट में होता है कपड़ा, कपड़ा बनाती कंपनी, कंपनी की हो जाती सेल, जिसको मिलता है उसको मिल जाता है डिस्काउंट, और तुम दोनों को मिलाने वाला पंडित मैं हूँ, तो मुझे मिलता है कमीशन। और मेरे अप्लाई को मुझे प्लान समझाने नहीं आता था, एक दिन पहले जो हुआ था उसको जो भी आता था मुझे बताया। अब ये किट मुझे लेनी पड़ेगी, तुम्हें बोल दिया मजा आया, अब तो कोई चांस ही 1260 रुपए दे। मेरे का बचने के लिए क्या करूं, तभी दिमाग में आइडिया आया। मैंने कहा सर 1260 रुपए दे देता, आपसे बड़े 1260 रुपए नहीं है मेरे लिए, लेकिन नौकरी क्लास आदमी है, 26 तारीख है आज, लास्ट डेटों में नौकरी वाले के पास 1260 रुपए मिलते हैं क्या? बोस का कहता एकदम सही काम, मेरे पास भी तो नहीं है, तभी तो बिजनेस करना पड़ा, और चीज को बिजनेस मिलेगा।
सर सर कोई बात नहीं, इस पेपर पे साइन है। मैंने कहा इस पेपर पे क्या लिखा है? इस पेपर पे लिखा है 1260 रुपए मेरी सैलरी से काट लिए जाए। और पेन पकड़ा दिया, करूं कि नहीं करूं। तो मैं बनिया आदमी था, राजस्थानी डीएनए हमारे अंदर, हर चीज में कैलकुलेशन हम करते हैं फटाफट, फायदा लॉस प्लस माइनस कर देते हैं। तो मैंने सोचा अगर मैं साइन नहीं करूंगा तो बहुत नाराज हो जाएगा, और अगर बहुत नाराज हो जाएगा तो इंक्रीमेंट आधा हो जाएगा, 2000 की जगह 1000 ही लगेगा, और 1000 इंक्रीमेंट लगेगा तो साल का 12000 वैसे ही चला जाएगा, 10 साल का 1,20,000 हो जाएगा, और अभी 20 साल की नौकरी है 3,60,000 हो जाएगा, 3,60,000 पे ब्याज जोड़ो तो 5,00,000 हो जाएगा। बाप रे, इतना नुकसान कौन कराएगा? हमने फट से साइन कर दिया। यहाँ पर भी जो आपके जीजा थोड़े होते हैं ना, वो बिजनेस समझ के थोड़े होते, वो जीजी की वजह से होते, साला उनको घर में रहना है, तुम खुश करने के लिए उसे ज्वाइन करवा दो। ऐसा करने से कुछ होता होता फॉलो से। अब हुआ क्या मेरे साथ, मैंने किट ली, किट को ले जाकर कहां फेंकी, वो किट मुझे आज दिन तक नहीं मिली, क्योंकि मुझे बिजनेस करना ही नहीं था। पहला चैप्टर खत्म, यहां तक आप सब लोग करना जानते हैं, ज्वाइनिंग कराना, हेलो, पहला चैप्टर खत्म हो गया। ज्वाइनिंग में तो आप एक्सपर्ट है, और मैं भी ज्वाइन हो गया था, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं काम नहीं करूंगा, और आपकी टीम के नीचे लोग भी ये सोच लेते हैं कि ज्वाइन मैंने कर लिया लेकिन काम नहीं करूंगा। काम कैसे होता है आप आगे कहानी सुनो, अब समझ आ जाएगी।